Z5 ऐप डाउनलोड करो ते देखो पूरे एपिसोड बिल्कुल फ्री। तानू पता अंकल जी कि मैं शायद दे नाल क्यों रहना, ताकि उन्हें ये ना लगे कि इन्ना वड्डा परिवार होने तो बाद भी वो इकली है। तानू तो एहसास भी नहीं होना अंकल जी कि उसकी जिंदगी चो सिर्फ उसका भरा नहीं, तुसी सारे जाने भी गायब हो। अंकल जी तुहानू तो याद ही होना जो साइंस के मदर करतारपुर साहब जाना चाहते सी उदों भी तुहाडे कोल टाइम नहीं सी, ते फिर बाद च जदों निहाल अपने मदर की आखिरी इच्छा पूरी करन लई करतारपुर साहब जाना चाहता सी उदों भी तुहाडे कोल टाइम नहीं सी। तुहानू याद भी अंकल जी कि तुसी कदों साइंस नाल बैठ के उहदा दिल दा हाल पुछिया? नहीं, क्योंकि ना तो तुहाडे कोल सहज लई टाइम सी ते ना टाइम कढ़न दी इच्छा। ते आ जा, मेरे छोटे जे गिफ्ट का इशू बनाने लई सारे इकट्ठे हो गए। यही जे कदी सहज लई इकट्ठे हुए होंदे तां किन्ना चंगा हुंदा। ते हुण तू मैनू दसेंगा कि मैं अपने बच्चों की परवरिश किदां करनी है? बड़ा स्मार्ट बनते हैं तू। नहीं नहीं अंकल जी, मैं कौन हूँ तुम्हें दसा? तुम वे हो, सियाने हो, मैं तो बस तुम्हें शीशा दिखा रहा। शट अप। अपनी गलती तो कुछ सीखना चाहिए, चाहे वह कोई भी सिखाए। नाले की गलत कह रहे हो? मैनू भी लगता है अपनी सेहत की तो तू फिक्र करना ही भुल गया। मम्मी जी तुहानू लगता है ना मैनू तो इन्हां नू सहज दी बिल्कुल फिक्र नहीं हैगी है, ताइयों मैं अपनी धी मेहर तो पहला सहज दा ब्याह करना चाहनी है। अज मुंडे वाले आ रहे ने, ताइयों मैं सोहने कपड़े दिते सी कि सोहने लगे। कमाल है मम्मी, विक्रम मल्होत्रा नाल मेरा रिश्ता पक्का करके किसी नू दस्या तक नहीं, इनू घरों कढ़न की अनाउंसमेंट पहले ही कर दी। मन गई तुहानू मम्मी? इस सिंपल पोती वास्ते ना मैं बड़ा टॉप दा रिश्ता लभ्या है, ते इनू देखो ये चुप चुप के लोगों को गिफ्ट लैंदी फिरदी है। ते तू कान खोल के मेरी गल सुन ले, तेरे लिए मैं जिहड़ा रिश्ता लियाई है ना तैनू उहदे नाल ब्याह करना पैना। फिर की होया जो 48 साल का है? 48 साल को बहुत ज्यादा उम्र होंगी है। हाँ, नाले वेखन नूं तां मसां 35 कुदा ही लगदा। नाले इक गल होर जिहड़ी मैं भुल गई हां, उहदे इक बच्चा भी हैगा, फिर ना कि इह दस्सिया नहीं मैं तुहानूं। नाले मैं सुणिआ कि उहने अपनी पहली घरवाली नूं बहुत ही खुश रखिआ सी, इहनूं वी रख ही लएगा। नाले हाँ, सुभाव तां उहदा चंगा हैगा ही है, कमाई भी बहुत चंगी है। 50,000 रुपया कमांदा महीने का। 50,000, 50,000 को घट नहीं हुंदा। तू एदा कर गुरलीन, मुंडा सुनन च भी चंगा लग रहा है, मेहर ने वेख्या भी होया, तू एदा कर मेहर का ब्याह कर दे उहदे नाल। मम्मी जी हर गल नूं गलत तरीके नाल लैना जरूरी तो नहीं, गुरलीन उहदी कोई दुश्मन थोड़ी है, मन्निया तुहानूं लगदी होगी पर उहदा हमेशा भला चाहुंदी है। You know what? तू मैनू डिजर्व ही नहीं करती। यह मुलाकात अपनी आखिरी मुलाकात है। आई एम ब्रेकिंग अप विद यू। जिन्हों मैं चाहिया जब उही मेरी जिंदगी च नहीं आ सकता, फिर कोई भी आवे की फर्क पैंदा? वैसे भी उहदा प्यार तो नहीं मिलना, पर जे इस घर नूं जोड़ के रखांगी तो इन्हां दा प्यार तो पा ही लाँगी ना। बीजी मम्मी जो करना चाहते हैं उन्होंने कर लें दो, मैंने उन्हें भी सारी गल मंजूर है। ये दिलों चो नहीं है को तो कही जानी, तो शायद भी मेरिया तीन कुड़ियां होर ने, मैं अजे उन्होंने भी ब्याह करने, तो कल जो कोई उल्टा सीधा किया ना फिर देख ली। तुसी फिक्र ना करो पापा, मैं थोड़ी इज्जत अपनी जान तो भी ज़्यादा प्यारी है।
एक गल कानी खोल के सुन ले कबीर, जिस ब्याह के रास्ते चाहने की कोशिश भी तू की ना, तो फिर तो बुरा कोई नहीं हो। तू बस सुनती रही सहज, कदे कुछ बोली ना। बीजी तुसी क्यों इनू भड़काउण दी कोशिश कर रहे हो? नाले बीजी मसा तो उहदे लई रिश्ता मिलिया, तुसी जरूरी खराब करना। ते नाले तू सहज मेरी गल ध्यान नाल सुन, अज ना मुंडे वालिया दे लई स्वाद जिहा खाना बनाई, ताकि जे तू उहनां नूं ना भी पसंद आई ना, तां वी तेरे खाने ते इंप्रेस होके बस व्याह करन दे लई राजी हो जाण। समझ गई? जदों जदों मैं तुहाडी हालत देखदी आ ना दी, मैं सोचदी आ काश मैं तुहाडी जगह हुंदी, तुसी मेरी जगह मम्मी दे पेट चो जन्म लिया हुंदा। काश तुहाडे दुख रब ने मेरे ना कीते हुंदे। तू ज्यादा सोच रही है सिवी, मैं ठीक हाँ। तुसी नहीं हो दी, तुसी नहीं हो। तू सारा इल्जाम अपने ते ले लिया, तेरी तो कोई गलती भी नहीं सी। प्यार कुर्बानियां मांगता है, मैं तो बस वही कुर्बानियां दे रहा सी। नाले जे मैं इदा नहीं करूंगा तो ही तो तेन मेरे ब्याह करवाने की आसानी होगी ना वीरा। सहज हाँ सहज, पर सहज मैं ना तेरी गल समझ नहीं आती। तू घर तो बाहर सारी दुनिया ना लड़ पैनी है, फिर घर जाके तेन की हो जाता है? इतने तेरी किसी सामने भी आवाज नहीं खुलती, तू आप ही तो कहनी है कि श्री गुरु गोबिंद साहब जी कहते हैं जो जुलम करना पाप है तो जुलम सहना उस तो भी वड्डा पाप है, तो फिर क्यों सहनी है? वीरे करके गुरु गोबिंद सिंह जी ने ना लोगों की भलाई लिए गुरु तेग बहादुर जी को अपना सीस कटवाने लिए भेज दिया सी, ते उस जुल्म गुरु तेग बहादुर जी ने पता है क्यों सहा? क्योंकि उस जुल्म च किन्ने लोगों की भलाई सी। कदे कदे ना अपने नूं प्रोटेक्ट करन लई कुर्बानियां देनियां पैंदियां ने, एक दी तकलीफ सहन नाल ते ज्यादा लोग आराम नाल जी सकन ते सह लेनी चाहीदियां ने। Z5 ऐप डाउनलोड करो ते वेखो सारे एपिसोड बिल्कुल फ्री।